नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। खरसवा में नक्सली और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, 3 जवान घायल, नक्सलियों ने किया ब्लास्ट। जमशेदपुर के मानगो स्थित कंचनदीप गैस एजेंसी के कार्यालय में लगी आग, 5 दमकलों ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के एमजीएम बड़ाबाकी में डैन बताकर महिला का ससुराल वालों ने पीटा, एमजीएम में भर्ती। और पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में खाना बनाने के क्रम में महिला झुलसी, बचाने गए पति का हाथ भी जला। नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। और आज खबरों में हम रुख करेंगे सरायकेला जिले की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही सरायकेला खरसावा जिले में एक बार फिर से नक्सलियों ने पुलिस को चुनौती दी है। जहां खरसावा थाना क्षेत्र के हुड़ांगदा में नक्सली महाराज प्रमाणिक दस्ते ने एक के बाद एक 21 आईडी ब्लास्ट कर पुलिस को खुली चुनौती दी। बताया जा रहा है कि खरसावा जिले में शुरू डैम निर्माण का काम चल रहा है, जिसकी सुरक्षा में सैप के जवान एलआरपी में जा रहे थे। इसी बीच हार्ड कोर नक्सली महाराज प्रमाणिक के दस्ते द्वारा पहले से घात लगाकर लैंड माइंस बिछाया गया था। जैसे जवान इस रस्ते से गुजरे थे, तभी एक के बाद एक 21 लैंड माइंस विस्फोट हुआ। साथ ही नक्सलियों की ओर से जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी गई। इधर पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई भी की गई। वैसे आईडी ब्लास्ट में सुरक्षा बलों के 3 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें पहले सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए चौपर से रांची रेफर कर दिया गया। वहीं इस आईडी ब्लास्ट में पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। वैसे पुलिस का दावा है कि उनकी ओर से भी जवाबी हमले में कई नक्सली घायल हुए हैं। फिलहाल सीआरपीएफ और जिला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। वहीं हमले में जवान कृष्णा कुदादा, माखन सिंह और हरे राम सिंह घायल हुए हैं। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इलाके में चल रहा है, जहां घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर सीआरपीएफ का कैंप है, फिर भी नक्सली 21 जगहों पर लैंड माइंस बिछाकर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। जा रहे थे गश्ती में, जा रहे थे जी। मतलब जो है पूरा ऊपर से अटैक किया, पहाड़ी के ऊपर से अटैक कर दिया था। 12-14 आदमी थे और उनका नफरी काफ़ी ज़्यादा था, तो पहाड़ी के ऊपर से उन्होंने अटैक किया जी। जी हाँ, बाजू में लगा है। करीब 9 बजे, 9 बजे करीब के नज़दीक में, जो खरसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, यहाँ पे सैप की कंपनी को डिप्लॉय किया गया है। हुड़ंगदा में सुरु डैम की सुरक्षा के लिए ही जवानों को यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है। आज जब सुरक्षा देने के लिए जा रहे थे, इसी दरमियान नक्सलियों ने आईडी विस्फोट करके और फायरिंग करके पुलिस के जवानों को हताहत करने की कोशिश की है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, उसमें हमारे 2 सैप के जवानों को गोली लगी है, खतरे से वो बाहर हैं। दोनों को बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया है। इन लोगों की तरफ, हम लोगों की तरफ से भी गोली चलाई गई है और उम्मीद करते हैं कि कई नक्सली उसमें घायल हुए हैं। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली यहाँ से भाग गए हैं। हम लोग चारों तरफ से घेर लिए हैं और सुरक्षा के तहत में हम लोग यहाँ पे सर्च अभियान चला रहे हैं। या तो नक्सली मारे जाएंगे या उन्हें खदेड़ देंगे। साथ ही जमशेदपुर के मानगो में पायल टॉकीज के समीप स्थित कंचनदीप गैस एजेंसी के कार्यालय में आज दोपहर 12 बजे के लगभग अचानक ही आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने कार्यालय के भीतर से धुआं निकलते देखा तो इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की एक व टाटा स्टील की 4 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। कार्यालय के भीतर रखे 5 गैस सिलेंडरों में अब तक विस्फोट हो चुका है, जिसे दमकल कर्मियों ने बाहर निकाल लिया है। सोमवार होने की वजह से यह कार्यालय आज बंद था, लेकिन अचानक ही बंद कार्यालय के भीतर में आग लग गई, जिससे लोग भी दहशत में आ गए हैं। धुआं भर जाने के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुरक्षा के मद्देनजर मानगो के मुख्य सड़क के दोनों छोर से आवागमन को बंद कर दिया गया और दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए मशक्कत करते रहे। वहीं जिस बिल्डिंग में कार्यालय अवस्थित है, उस बिल्डिंग को भी खाली करा लिया गया था। पीसीआर के थ्रू के फायर टाकिस के बगल में जो ये कोई गैस गोदाम है, यहाँ आग लग गई है। तो फायर ब्रिगेड टाटा स्टील तत्पर रहता है इस काम के लिए। विद इन 10 मिनट के अंदर हम लोग आ गए यहाँ पर काम करने। कितना भयंकर आ गई है? बहुत ज़बरदस्त आ गए, 2 सिलेंडर फट चुका है।
और सिलेंडर हम निकलवाने का कोशिश कर रहे हैं, यदि निकल जाएगा तो आग पर काबू पा लिया जाएगा। आसपास आवासीय क्षेत्र भी है, आसपास का वातावरण ऐसा है कि पब्लिक यहाँ पर काम करने देता नहीं है, बहुत परेशानी करता है, कल को अगर फटेगा किसी पब्लिक को तकलीफ होगा तो समझ नहीं पाते पब्लिक के। जैसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ से फ़ोन किया मेरे पड़ोसी का कि आपके ऑफिस से धुआं निकलता है, उसके बाद हम तत्काल आए, अपने सारे कर्मचारी को बुलाया, फायर ब्रिगेड को सूचना दी, उसके बाद जो है पता चला कि हाँ उसमें दो तो आपको टेस्टिंग का सिलेंडर होता है, बाद बाकी गैस इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, स्टेशनरी है, पेपर्स वगैरह सारा कुछ है, वही कंप्लीट है। और जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बाड़ाबाकी के पास एक महिला को डायन बताकर उसके देवर ने जमकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे महिला घायल हो गई है। बता दें कि फिलहाल महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भेजा गया है। बताया जाता है कि जोबा महतो नामक महिला के पति की इसी वर्ष जनवरी में मौत हो गई। पति की मौत के बाद से ही महिला के देवर व ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा इन्हें डायन का आरोप लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। हर समय मारपीट की जाती है, साथ ही महिला के साथ छेड़खानी की जाती है। सोमवार को भी जोबा महतो को उसके देवर ने मार पीट कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद उसे उसके भाई ने किसी तरह महिला को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हर दिन चार सप्ताह एक दिन लिया झंझट हुए थे, चार सप्ताह भूत डहीन तुम्हें खाचो तुम्हें सकल कितु कछो सब जिनिस साली भावड़ी जा जाए मुखे बहरा सब कुछ गाल बखान हम करें घर ले बार कर निकाल देने। आज भी वो डाइन बोल के मारा, आज हर दिन क्या चीज से मारा? हमारे यह देवर मसाज ये फोन बड़ा फोन और एक दाढ़ी उठान छो काम कर दाढ़ी बेलचा दाढ़ी তখন ওকে মিস্ত্রি ধরে আমাকে সাইড করলো। কি বলে মারলো? কি বলে? আজকে আজ তোমার এথায় কিছু নাই, এথায় তোমার কিছু কোনো নাই। জি ও ভি বলতে হ্যাঁ, আর ইনকা জো দেওর জো হ্যায় ও তো হামেশা মতলব হাত লাগাতে হ্যায়, লেকিন ইস প্রকার কা হর বাত হামেশা হোতে রাহতা হ্যায়। হাম জাতে হ্যায় আপনা দেখনে কে লিয়ে আপনা সিস্টার কো, লেকিন জানে কে পাস ভি ওহা কোই মতলব কা বলেঙ্গে জো হোনা চাহিয়ে সজরাল মে জো স্নেহ वो नहीं मिलता है। इसका पति का कब डेथ हुआ, कैसे हुआ? इसके पति का डेथ आपका नेचुरल हुआ है, 4 जनवरी 2019 को ही हुआ है। शादी कर उसके बाद से देवर लोग क्या परेशान करते थे? हाँ, हमेशा परेशान करते रहते। इससे पहले भी मतलब जिसका जब इनका ये भी था मतलब पति था, तब भी वो लोग परेशान थोड़ा बहुत करता, उतना नहीं करता था, लेकिन वो ध्यान होने के बाद मतलब ज्यादा हो गया। अभी छेड़खानी वगैरह भी करता था? छेड़खानी मतलब क्या बोलेंगे कि हम सब लोग हाथ मारपीट आज 9:30-10 बजे के बीच हुआ है, तो उस समय हम तो अपना घर में थे, मेरा सिस्टर वो अपना घर में थे, हमको फोन किया वो मेरा ये मेरा भागनी जो बोल रहे हैं कि मामा इस प्रकार का लड़ाई हो रहा और मेरा माँ को मार रहे हैं, तो हमारे ठीक है हम जाएंगे, तो जब ज्यादा हो गए तो हम एक काम कीजिए आप एमजीएम आ जाइए, थोड़ा इलाज भी करा लेंगे। वहीं दूसरी ओर घाटसिला थाना क्षेत्र में खाना पकाने के दौरान रीना नामक महिला बुरी तरह झुलस गई। बता दें कि उसे बचाने के क्रम में उसके पति का भी दोनों हाथ जल गया है। बताया जाता है रीमा नामक महिला चूल्हा पर लकड़ी से खाना पका रही थी, खाना पकाने के दौरान महिला की साड़ी में आग पकड़ ली, देखते देखते महिला का पूरा शरीर आग से झुलस गया। इधर पत्नी को बचाने के दौरान पति दिलीप के दोनों हाथ जल गए। बाद में आसपास के पड़ोसी ने पति पत्नी को इलाज कराने के लिए एमजीएम अस्पताल में लाकर भर्ती किया। पड़ोसी ने हादसे के कारणों के संबंध में जानकारी दी। और इसका रूमा है। कहाँ रहते हैं? राजस्ट्रेट घाटसिला। राजस्ट्रेट घाटसिला राजस्ट्रेट। कैसे इन जला है? वो खाना पकाते समय आग लग गया, कपड़ा में जल गया, दोनों जल गया। नहीं नहीं, वो आधा जला है, हम उसको बचाने का चक्कर में हम लोग ले। तो क्या स्टोव फट गया था क्या? नहीं स्टोव नहीं, लकड़ी चूल्हा में, लकड़ी चूल्हा में खाना। दादा कितना देर से है आप लोग यहाँ? आधा घंटा हो गया, आया हुआ है गया, डॉक्टर बोला बुलाने के लिए आया रहा हूँ। आधा घंटा हो गया डॉक्टर तक आया नहीं? आए हो गया था। आप लोग आए क्या चीज से थे? हम तो एम्बुलेंस से आए हुआ है, एम्बुलेंस दिया हुआ, एम्बुलेंस में आया हूँ, एम्बुलेंस से लेकर आया हूँ। लेकिन अभी तक बेड नहीं मिला? बेड हमको नहीं मिला, बस सही है, बेड नहीं मिला। तो पहले कहाँ गए थे? इमरजेंसी गया था, यहाँ भेजा है, तो जो मैं साथ में आया हूँ वो बोला कि यही रोकिए। कितना दिक्कत हो रहा है आपको अभी? दिक्कत कुछ नहीं हो रहा, वो बोला हमको आएंगे आधा आधा घंटा से। आप है दिक्कत हो रहा? दिक्कत हो रहा, पेशेंट का दिक्कत हो रहा, मेरा भी दिक्कत हो रहा।
और तेज रफ्तार का कहर चाईबासा जमशेदपुर मुख्य मार्ग पर देखने को मिला, जहां डिवाइडर से टकराकर चक्रधरपुर के जूनियर इंजीनियर रोशन मुंडा की मौत घटनास्थल पर होगी, जबकि एक अन्य व्यक्ति जिंदगी और मौत की जंग टाटा मेन हॉस्पिटल में लड़ रहा है। चक्रधरपुर के रहने वाले जूनियर इंजीनियर रोशन मुंडा अपने साथी के साथ जमशेदपुर की ओर आ रहे थे, जहां तेज रफ्तार के कारण चाईबासा जमशेदपुर मुख्य मार्ग पर इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिस कारण गाड़ी पर सवार दोनों ही व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से टाटा मेन हॉस्पिटल लाया गया, जहां रोशन मुंडा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एक अन्य व्यक्ति का इलाज चल रहा है, जहां घटना की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर के विधायक शशि भूषण समड़ ने जमशेदपुर पहुंचकर मृतक रोशन मुंडा का पोस्टमार्टम करवाया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए विधायक ने कहा कि रोशन मुंडा गाड़ी के सर्विसिंग को लेकर जमशेदपुर आ रहा था, उसी क्रम में ये घटना घटी है। मृतक पीएचडी विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर पदस्थापित था, जो मेरा रिश्तेदार है। फिर अंजीम में आते हैं और ये उनके पिताजी से ये पता चला कि ये गाड़ी एक्चुअली ये लड़का जे है मनरपुर का सिविल जे है ब्लॉक का, और ये पिताजी से उनका पता चला कि नहीं गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए मैंने जमशेदपुर निकली चले, और ये जमशेदपुर मैंने वहीं से चाईबासा से ही लोग आ रहा था जमशेदपुर डायरेक्ट, ये कोई बम्पर एक जगह मिला हुआ बड़ा देखते बम्पर तो लोग स्पीड में था, तो गाड़ी क्या हुआ अनबैलेंस हो गया और उसमें मैंने गाड़ी नहीं कर पाया मैंने बैलेंस, तो पेड़ में ही टकरा गया। हाँ, और टकराने के बाद में इसको हॉस्पिटल में लाया है मैंने यम आपका सीएमएच में, और वहीं मैंने वही कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में गांजा तस्कर और उसके घर वालों ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला को रॉड से मारकर लहूलुहान कर दिया। बता दें कि महिला का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है गांजा तस्कर निहाल और यास्मीन परवीन का मकान सटा हुआ है। गांजा खरीदने वाले मकान सटे रहने के कारण महिला के घर गांजा खरीदने के लिए पहुंच जाते थे। कहा जाता है सोमवार को गांजा खरीदने वाले ग्राहक गांजा तस्कर के घर जाने के बजाय महिला के घर में घुस गए। महिला ने विरोध जताया। इधर गांजा तस्कर निहाल और उसकी पत्नी ने यास्मीन पर डंडा और रॉड से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। जख्मी महिला की बहन ने घटना के कारणों के संबंध में जानकारी दी। ब्लॉक नंबर 2 किसलिए मारपीट हुआ है? निहाल है ना गांजा बिक्री करता, निहाल नाम का आदमी, वो रोजा रखा हुआ नमाज मज पड़ रहा था, उसका दरवाजा नहीं खटखटा गया, मेरा माँ का दरवाजा खटखटा गया। अच्छा। लोग निकल के बोली ना तो वही मारा मारी हुई, मतलब क्या बोले? ये बोली कि यहाँ गांजा नहीं मिलता, हुआ गांजा मिलता, आप लोग मुंह पर जाकर बोलिए। तो ईटा बोला का तुम लोग बराबर है लबात बोलती, तुम लोग मेरा ग्राहक को भड़का उधर जाने बोलती, निहाल बोल रहा है। लेकिन ग्राहक आया था आपके यहाँ? आप कहीं मतलब हाथ उसका दरवाजा में खटखटा के मेरे लोग का दरवाजा, दोनों अगले बगल है। तो ये लोग निकल के बोली ना, तो हम तो दूर में रहते हैं, मेरा साथी हुई है, तो ये लोग निकल के बोले मेरा घर में कोई नहीं, दो हो जाए ये उसका बेटी है मुस्कान नाम का, वो भी मारने लगी, तो इन्होंने चिल्ला में भोजा ही लोगों लोग को कुछ करी नहीं, तो उसके बाद में जब आया खाना उसका साला लवा जूबा बादशाह वजीर सरपराज उसका लड़का है सबको जमाल उमल मिल के सब आया, हमारा हमारी ईटा फत्तल सब गुलाब गुलाब सब मिलके चलाने लगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए सिर्फ न्यूज। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है, और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले, एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे इंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहाँ
मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट विंग, डोरा डोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहां ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि घोड़ा बांधा जलापूर्ति योजना राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 4 वर्ष पहले इस योजना का लाभ स्थानीय लोगों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन सरकारी उदासीनता और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण आज भी यह योजना उधर में लटकी है। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्थानीय लोगों को कई बार आश्वासन दिया कि इस वर्ष जलापूर्ति योजना से क्षेत्र के लोगों को शुद्ध जल मिलेगा, मगर आज भी ये योजना अधर पर लटकी है। यहाँ के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं अब लोगों के आक्रोश का सामना तीसरी व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों को करना पड़ रहा है। जल के बगैर गोविंदपुर के लोगों का जीवन नरकीय हो गया है। वर्ल्ड बैंक भी इसके धीमे कार्य पर नाराजगी जता चुकी है। तो काफी बढ़ती गई है और इसका हम लोग मांग किए हैं वर्ल्ड बैंक के पदाधिकारी से, और हमारा ज्ञापन में एक पॉइंट है कि आप सर्वे कीजिए और सर्वे के साथ साथ जो भी पाइपलाइन बिछाई गई है उसको निकाल के और पाइप का जांच किया जाए। ये डिमांड हमारा है। और यहाँ पानी का इतना दिक्कत है कि अभी हम लोगों ने BDO साहब से परमिशन लेके जो मुखिया सभी मुखिया का टैंकर चल रहा है और टाटा मोटर्स इसमें पानी सप्लाई कर रही है, दे रही है, और टाटा पावर है, निवोको है, स्टेट ब्रिज कंपनी है, इनका टैंकर चल रहा है। इसी से गोविंदपुर का काफ़ी निजात हो रहा है, कहा जाए बहुत हद तक वो संभाले हुए टैंकर। पर ये जलापूर्ति जो काम है ये बहुत ही रद्दी काम हुआ है। वही घोड़ा बांधा जलापूर्ति योजना को लेकर तीसरी व्यवस्था के जनप्रतिनिधि भी राज्य सरकार के विरुद्ध आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। घोड़ा बांधा की जिला परिषद सुनीता शाह एवं गोविंदपुर के मुखिया सतवीर सिंह की माने तो इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन कोई सार्थक पहल नहीं हुई। जनता के आक्रोश का सामना अब स्थानीय जनप्रतिनिधि को करना पड़ रहा है। इन लोगों ने घोषणा की है कि जून माह तक अगर योजना को धरातल पर नहीं उतारा जाता है तो सभी जनप्रतिनिधि जनता के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। हम एक कहना चाहेंगे, एक गोविंदपुर का नाते जो कि जिस हिसाब से आपूर्ति पानी के लिए जनता भटक रही है, कुछ पानी टैंकर से जो आ रहा है, जहां दिक्कत है, परेशानी है, टैंकर के माध्यम से पूर्ति किया जा रहा है, वो भी पूरा कहां हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको देखते हुए ये जो काम किया गया आधा अधूरा काम है। और जमशेदपुर में माहे रमजान के अवसर पर मानगो चूना साह कॉलोनी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जहां रोजेदारों ने देश की उन्नति और अमन की दुआ की। आजाद नगर चूना शाह कॉलोनी के लोगों की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जहां इस क्षेत्र के कई उलेमा एवं मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए नईम खान ने कहा कि पिछले कई वर्षों से क्षेत्र के युवाओं द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, जहां ये सभी युवा मदरसे में तरावीह का एहतमाम करते हैं, जहां हम सभी रोजेदार एक जगह मिलकर देश की उन्नति और देश में शांति की दुआ करते हैं। इस इफ्तार पार्टी में सैकड़ों रोजेदार शामिल हुए हैं। नौजवानों ने इफ्तार का इंतजाम किया है, बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन लोगों ने इससे पहले तरावी का इंतजाम भी किया था और हर साल की तरह इन साल भी ये लोग बहुत खूबी
अफ्तार का इंतजाम किया है, काफी लोगों को बुलाया है, अल्लाह ताला इनके। साथ ही जमशेदपुर में कांग्रेस माइनॉरिटी फ्रंट के एक प्रतिनिधिमंडल ने एमजीएम हॉस्पिटल में लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर अधीक्षक से मिलकर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। अपनी लचर व्यवस्था से पहचान बना चुका जमशेदपुर का एमजीएम हॉस्पिटल में बेहतर सुविधा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा एक मांग पत्र एमजीएम हॉस्पिटल के अधीक्षक को सौंपा गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के कई नेता मौजूद थे, जहां मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा नेता गुलरेज अंसारी ने कहा कि पूरे कोल्हान का एकमात्र सरकारी अस्पताल, जहां से कुछ ही दूरी पर राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय का आवास है, मगर यह अस्पताल आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जहां लोगों को सुविधा के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही प्राप्त होता है। ऐसे में गरीब मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा एक मांग पत्र सौंप कर व्यवस्था में जल्द से जल्द सुधार लाने की मांग की जा रही है। सरकार को देने, सफाई कर्मी की कितनी बहाली होगी, ये सरकार की जिम्मेवारी है। वार्ड अटेंडेंट सरकार को आप वहाँ भेज देते, लिमिट भेज देते, और अक्सर ये देखा गया कि पेशेंट अल्टीमेटली वो डेथ कर जाता है। तो इनसफिशिएंट ऑफ नेग्लिजेंसी, इनसफिशिएंट ऑफ डॉक्टर, इनसफिशिएंट ऑफ मैनेजमेंट, इन सबों की वजह से जो है आज ये बहुत बड़ा समझिए कि एक यहाँ पे जो है एमजीएम हॉस्पिटल का ये डिजास्टर मैनेजमेंट बन गया है। तो आज हम लोग स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर शताब गुलरेज और हमारी पूरी टीम जो है इस पर बहुत गंभीरता से इस चीज़ को ली है कि जो डेथ किए हैं शमीम साहब, उनको भी न्याय मिला। और ये शमीम साहब के मामला नहीं, हमारा कोई हिंदू भाई अगर उसके साथ भी इस तरह का मामला होगा तो हम लोग उसके लिए भी तत्पर है, उसके लिए क्या हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि करंडी स्थित एलबीएसएम कॉलेज के फेल इंटरमीडिएट के छात्र और उनके अभिभावक डीसी से मिलने पहुंचे, जहां डीसी के मुख्यालय से बाहर होने के कारण वो डीसी से मुलाकात नहीं कर पाए। बताया जाता है इस वर्ष कॉलेज के इंटरमीडिएट का परीक्षा फल खराब हुआ है। फेल छात्र 4 रोज पहले डीसी से मुलाकात कर उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराने का आग्रह किए थे, अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। इधर फेल छात्र एवं उनके अभिभावक सोमवार को डीसी से दोबारा मुलाकात करने के लिए जिला मुख्यालय कार्यालय पहुंचे थे। मुख्यालय से डीसी के बाहर रहने के कारण मुलाकात नहीं हो सका। इधर अभिषेक प्रसाद नामक छात्र ने मामले के संबंध में जानकारी दी। इंटरमीडिएट 12 क्लास रिजल्ट का है, जो कि हम लोग का इंटरमीडिएट में से 100% रिजल्ट में से 20% ये रिजल्ट अच्छा हुआ, जिसमें से 80% रिजल्ट खराब हो गया। आज हम लोग 2 दिन से धूप में आ रहे हैं, बहुत सारे विकलांग बच्चे भी है, वो लोग माँ बाप के साथ आ रहे हैं, धूप में डीसी सर से मुलाकात करने के लिए, मुलाकात हो नहीं पा रहा है। पर कितना परेशानी हो रहा आप लोगों को? मतलब बहुत परेशानी हो रहा है, वहाँ बड़बड़ा से आते हैं बहुत, इतना धूप में, कड़ी धूप में, बहुत जान को कल्लू भी लग गया है। हम लोग टोटल मतलब 50 से 60-70 जान हैं। मुलाकात हुआ अभी तक? अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है। और जमशेदपुर के पोटका रसून चोपा गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सोमवार को भक्ति और आस्था का एक अलग रूप दिखाई दिया। एक ओर जहां रजनी फोड़ा पर्व को लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया, तो वहीं इसमें लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आस्था व परंपरा के अनुसार रजनी फोड़ा अर्थात विशेष भक्तों की पीठ या बाह में सलाखों से छेद कर उसमें रस्सी को आर पार किया जाता है। इस दौरान एक शिव भक्त ने अपने पीठ के चमड़े में मोटे लोहे के कील खोप कर 4 बैलगाड़ियों पर बैठे लोगों को आधा किलोमीटर तक खींचा। इस दौरान भगवान शिव के जयकारे के साथ ढोल नगाड़े बजते रहे। बताया जाता है कि झारखंड से सटे पड़ोसी राज्य उड़ीसा और बंगाल के भी लोग इस पर्व को देखने यहाँ पहुँचते हैं और काफी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसे मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वहीं भक्ति और आस्था के साथ बैलगाड़ियों को खींचने वाले भक्त कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के समय से ये परंपरा चलती आ रही है, सब ईश्वर की कृपा से होता है, इसलिए शायद उन्हें कुछ नहीं होता। लोहा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा इस्तेमाल कर रहे, नहीं लगता है कि खतरा हो सकता है इसमें? सर खतरा नहीं हो सकता इसमें। और कदमा निवासी नंदकिशोर अग्रवाल ने अपने 97वें जन्मदिन पर एमजीएम अस्पताल को एक व्हील चेयर उपहार स्वरूप भेंट किया है।
इधर अग्रवाल ने बताया गरीब मरीजों को लाने और ले जाने के लिए अपने जन्मदिन पर एक व्हीलचेयर अस्पताल अधीक्षक और उपाधीक्षक को भेंट किया गया। मैं नंद किशोर अग्रवाल, मेरी काफी दिन से इच्छा थी कि मैं कुछ अपने बर्थडे में डोनेशन करूं। मेरी इच्छा हुई कि MGM में व्हीलचेयर से हमेशा देने कुछ कुछ देता रहता हूं, इस बार MGM में देने की इच्छा हुई। मैं पार्टी करना के विरुद्ध रहता हूं, पार्टी क्या करूं, कम से कम MGM में दो ताकि काफी लोग इसमें बैठ के इसका यूज कर सके। यही हमारे क्या था, आज क्या था? आज हमारा 57वां जन्म 57th बर्थडे है, उसी को प्लस। अभी के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। खरसवा में नक्सली और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, 3 जवान घायल, नक्सलियों ने किया ब्लास्ट। जमशेदपुर के मानगो स्थित कंचनदीप गैस एजेंसी के कार्यालय में लगी आग, 5 दमकलों ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के MGM बड़ाबाकी में डायन बताकर महिला का ससुराल वालों ने पीटा, MGM में भर्ती। और पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में खाना बनाने के क्रम में महिला झुलसी, बजाने गए पति का हाथ भी जला। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।